हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। पलवल जिले के गांव नागल जाट के सरकारी अस्पताल में जमीन पर बैठी ये गर्भवती महिलाएं जो इस अस्पताल में अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए अस्पताल में आई हैं, ये डॉक्टरों के इंतजार में बैठी हुई हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर साहब ही नहीं है, अस्पताल में कोई पंखे भी नहीं है, ना ही इनके लिए बैठने के लिए कोई स्थान है। ये बेचारी लाचार गरीब महिलाएं हैं जो इतने लंबे समय से डॉक्टर के इंतजार में बैठी हुई हैं। अगर ये पैसे वाली महिलाएं होती तो ये अपनी जांच किसी निजी बड़े अस्पताल में जाकर के करवाकर अपने घर चली जाती, लेकिन ये क्या करें, ये सभी महिलाएं सरकारी तंत्र के आगे मजबूर हैं, जिस वजह से ये सभी जमीन में बैठकर डॉक्टर का इंतजार कर रही हैं। ना तो डॉक्टर और 8 बजे तक बैठे हैं, खूब परेशानी है, ना कोई कुर्सी। आप नीचे बैठी जमीन में? नीचे बैठे जमीन सभी महिलाएं? सभी महिलाएं। किस लिए आए? सभी गर्भवती महिलाएं के? गर्भवती सभी। क्या टीका लगवाने आई है? टीका ले, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर ना है। तो आपको कितनी परेशानी हो रही है? ब्लड चेक भी है, उसे भी ये आज हमें पता लगा कि कोई डॉक्टर आया है। कुछ भी नहीं मिल रही है। सुबह 8 बजे के आए हैं और डॉक्टर भी नहीं है। हाँ, और यहाँ पर बैठने के लिए नीचे बैठे हैं सुबह से। अच्छा, कोई कोई सुविधा नहीं? तो अब क्या समय हो रहा है? लगभग 11 बजे। कोई डॉक्टर नहीं आया? सभी गर्भवती महिलाएं कितने बज गए? अब 10:40 लगे। अच्छा, तो मतलब क्या कोई डॉक्टर वगैरह? कोई ना करो, कोई कॉल ना करो। तो कैसी सुविधा है अस्पताल के अंदर? कुछ भी सुविधा नहीं है, यही हाल होता है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ बैठने की सुविधा कुछ भी नहीं है, कुछ बन नहीं है, बैठने के लिए लोटने के लिए कचरा, ये जमीन में बैठते हैं ना, पानी पीने के ना बैठे सुविधा कुछ नहीं है। सभी महिला जमीन में बैठी है, वो डॉक्टर भी नहीं है अभी तक। क्या बजे आई हो आप? 9 बजे। तो अभी तक 11-12 बजे जा रहे, कोई नहीं, नहीं। तो आप गर्भवती महिलाएं सारी? हाँ, सभी गर्भवती महिलाएं। तो कोई सुविधा नहीं मिलती यहाँ पर? क्या यही हाल है हॉस्पिटल का? यही हाल है। तो आप ये यहाँ पर क्या सुविधा है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो जमीन में बैठी हुई महिलाएं सभी गर्भवती महिला हैं? सभी। तो कितनी परेशानी हुई आपको? यहाँ पर कोई डॉक्टर? इस अस्पताल में दूसरी महिलाओं का इलाज कराने के लिए आए लोगों ने कहा कि कई बार इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन उनको इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते, और कोई स्टाफ मिलता है तो वो आपस में फोन पर बात करते रहते हैं, मरीजों की कोई चिंता नहीं करता। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ना तो दवाइयां मिलती हैं, क्योंकि अस्पताल से दवाइयों को बेचा जाता है। कोई भी सुविधा ना किसी प्रकार की। हाँ, दवाई इसमें नहीं। हाँ, कबाड़े अमित बेच रहे, लक्कड़े अमित बेच दिए। हाँ, दीवार या की टूटी पड़ी। हाँ, कोई काई भी तरीका की सुविधा नहीं है। डॉक्टर कोई आवे नहीं। हाँ, एम्बुलेंस यहाँ में नहीं। हाँ, कोई किसी मरीज या परेशान रात के भी हंस कर जच्चे आ रही है, तो वह भी बालक गर्भवती में वह भी बालकन के लिए कहीं और आई जा रही है। अच्छा, अपनी सवारी जा रही है। क्यों डॉक्टर को नहीं? कोई डॉक्टर नहीं है। क्या यहाँ जो दवाई बेची जा रही है? दवाई सब सौदा बिक रहा है। इस बारे में जब पलवल के जिला सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि नागलजाट के अस्पताल में मौजूद सभी कर्मचारियों को नोटिस दे दिया गया है। डॉक्टर बीमार थी, लेकिन फिर भी कारण बताओ नोटिस दिया है। वहां पीने के पानी की और महिलाओं के बैठने के लिए व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पलवल में भी सभी केंद्रों को नोटिस देकर ड्यूटी ठीक करने के आदेश दिए हैं। लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, आज मुझे पता लगा कि वो लेडी डॉक्टर जो बीमार थी वो लेट पहुंची आज, जिसकी वजह से वहाँ पे कैंप चलाने में थोड़ी दिक्कत आई है, और उसके बारे में आवश्यक मैंने जांच के लिए बोल दिया है, और जो भी कोई भी जैसे ANM ने ढंग से या स्टाफ नर्स ने ढंग से औरतों के बैठने का इंतजाम नहीं किया, उसके बारे में भी कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी की रिपोर्ट मिलते ही उस बारे में हम चाहेंगे कि ये जो भी कमियाँ थी उनको पूरा किया। Thank you.